हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आपकी इंग्लिश रीडर क्लास फिफ्थ एमपी बोर्ड बुक से चैप्टर 3 द ग्रेट बेनियान। ओके, बेनियान जैसा आप समझ रहे हैं ट्री का नेम है। आप ट्री को अच्छे से देखिए, इसमें काफ़ी सारे रूट्स निकली हुई हैं। साइड से आप देख रहे हैं बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो बस इस चैप्टर में इस ट्री के बारे में ही पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इस ट्री के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जस्ट एज ओल्ड मैन आर द होस्ट मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली। जिस तरह से बुजुर्ग व्यक्ति जेंटल होते हैं, दयालु होते हैं, वैसे ही ये बिग ट्री भी मोस्ट फ्रेंडली होते हैं। दोस्ती वाले व्यवहार होता है इनका। द बेनियान इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल अवर ट्री। बेनियान जो ट्री है वो भी हमारे सारे ट्रियों में एक सबसे बड़ा ट्री है और दोस्ती करने वाला ट्री है। वी डू नॉट सी मैनी बेनियान ट्रीज इन अवर सिटीज नाउडेज। आजकल हम सिटियों में ये बेनियान ट्री हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दीज ट्रीज रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देम सेल्व आउट। ये ट्री जो होते हैं इनको फैलने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, पर्याप्त स्पेस चाहिए होता है। बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज़, लेकिन हमारे ये भीड़ भरी सिटियों में, भीड़ भाड़ वाली सिटियों में, वेयर देयर इज़ बेयरली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, जहाँ पर लोगों के लिए स्पेस बड़ी मुश्किल से है, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बेनियान ट्री। तो बड़ा कठिन है कि बेनियान ट्री को पूरा स्पेस मिल जाए, ये बहुत कठिन है। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बेनियान ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3-story बिल्डिंग। क्योंकि आखिर में कि बनियान ट्री जब बड़ा हो जाता है तो ये इतना स्पेस लेता है जितना कि 3-story बिल्डिंग ले लेती है। ऑफ कोर्स स्पेसियस पार्क, फिर भी पार्क्स में, कुछ पार्क्स में एक बेनियान ट्री होता ही है और एक गाँव में, हर गाँव में एक बेनियान ट्री तो होता ही है। द बेनियान ट्री हैज वॉट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, डेट इज इट्स ब्रांचेज ड्रॉप टू द ग्राउंड टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेज ऑन देयर ऑन। और जो बेनियान ट्री होती है इसकी जो रूट्स होती हैं वो एरियल रूट्स कहलाती हैं। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं, फिर से उनमें से रूट निकलती हैं और फिर से और ज़्यादा ब्रांचेज खुद की हो जाती हैं। Therefore, after some years, इस प्रकार कुछ सालों में the tree forms a forest of its own which is too big to be seen at once। और कुछ ऐसे सालों में ये जो ट्री होता है जंगल का अपना एक रूप, अपने आप में एक जंगल सा हो जाता है जो देखने में बहुत बड़ा, उसे देखा जा सकता है। No wonder the banyan was chosen to stand for the hair of Lord Shiva। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो बेनियान है उसे भगवान शिव के बालों की तरह बोला गया है, क्योंकि उसमें भी रूट्स निकलती हैं और भगवान शिव के भी हेयर से वो, उनकी जटाएं निकलती हैं। ओके, द एरियल रूट्स ऑफ द बेनियान आर लाइक पिलर सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग। तो जो इसकी जो रूट्स होती हैं ना, एरियल रूट्स बेनियान की, वो इसके लिए एक बड़ी, जैसे बड़ी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं ना, तो इसके लिए एक पिलर की तरह काम करती हैं, खम्बे की तरह काम करती हैं इसके लिए रूट्स इसकी। चिल्ड्रन यूज दीज रूट्स एज स्विंग एंड एंजॉय स्विंगिंग। बच्चे जो होते हैं इसकी रूट्स पर झूला झूलते हैं और झूलकर एंजॉय करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स, यदि आप पिलर को नष्ट कर दोगे, किसी भी खम्बे को नष्ट कर दोगे, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दोगे, द बिल्डिंग विल फॉल, तो बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना। एंड सो विल द बेनियान, सेम ऐसा ही बेनियान ट्री के साथ है, यदि आप इसकी रूट्स को नष्ट कर दोगे तो बेनियान ट्री गिर जाएगा। बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज नॉट वेरी डीपली रूटेड, क्योंकि इसकी जो मेन ट्रंक होती है वो इतनी ज़्यादा गहराई से अंदर रूट नहीं, अंदर वो नहीं होती है, जमी नहीं होती है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट, इसको स्पेस जो चाहिए होता है रूट्स को, काफ़ी सारा स्पेस चाहिए होता है। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड विल नॉट टू डू बिकॉज इट नीड ट्रिस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड। जो गार्डन होते हैं और बिजी जो रोड के जो साइड में जो गार्डन होते हैं ना, रोड के साइड में, वहाँ पर ये ट्री नहीं देखा जा सकता, वहाँ पर नहीं मिलेगा ये, क्योंकि इसको इतना स्पेस चाहिए होता है दूसरे ट्री से डबल। कोई दूसरा ट्री होगा ना, सिंपल जो ट्री होते हैं और बाकी के ट्री, उससे इसको डबल स्पेस चाहिए होता है, इसलिए रोड के साइड में गार्डन, ये मोस्टली गार्डनों में और रोड के साइड में ये ट्री हमें देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस, ये ट्री घर के आसपास भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल, नहीं तो इसकी जो ब्रांच है वो बड़ी होकर आपके बेडरूम की दीवार में से निकलने लगेंगी। इट इज ऑलवेज कूल, ये हमेशा ठंडा रहता है, डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बेनियान ट्री, और ये हमेशा झुका हुआ, बीनीथ यानी कि झुका हुआ, शेडी इसकी लीव्स जो होती हैं वो झुकी हुई रहती हैं, गहरा होता है ये, मतलब कहने का मतलब ये है ठंडा रहता है, इस पर काफ़ी सारा डार्क यानी गहरा से मतलब ढका हुआ, जैसे कि इसमें हम कुछ भी चीज़ छिप जाए ऐसे, और झुका रहता है, बीनीथ यानी नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है।
एंड इट इज अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और ये ट्री चढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेज विदाउट मच डिफिकल्टी, इस ट्री पर आप बिना किसी परेशानी के चढ़ सकते हो। एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, और गिरने का कोई खतरा भी नहीं है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्रीज टू सिट इन, और ये ट्री बैठने के लिए भी बड़ा कम्फर्टेबल है, बड़ा आरामदायक है। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू, फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाई द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स। और इस पर आप बैठ कर, इसकी जो चौड़ी ट्रंक है उस पर आप झुक कर आराम से बुक पढ़ सकते हैं, कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम इस पर कम्प्लीटली इसकी जो चौड़ी चौड़ी शाइनिंग वाली लीव्स होती हैं उस पर पूरी तरह से छिप जाओगे, तो कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा। द बेनियन इज ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल, बेनियन ट्री जो है बहुत हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल का मतलब है अपने गेस्ट का वेलकम करने में बड़ा खुश रहता है। अपार्ट फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, काफ़ी सारे बॉयज़ और गर्ल हैं तो आते ही हैं यहाँ पर। इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर, और इसमें काफ़ी संख्या में दूसरे विजिटर जैसे कि बर्ड्स, स्वैरल, इंसेक्ट और फ्लाइंग फॉक्स भी इसमें काफ़ी सारे आते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रीचर एक्चुअली लिव इन द ट्री, कई इंटरेस्टिंग जीव जंतु इस ट्री में रहते हैं। विच इज फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेनेंट, क्योंकि उनको एक डार्क यानी कि एक प्राइवेट कॉर्नर मिल जाता है जहाँ पर उनको कोई देख नहीं सकता है। बिल्कुल जैसे ही जैसे कि वो जैसे रेंट पर रहते हैं ना, कोई भी टेनेंट यानी किराए पर लेना, तो बिल्कुल किराए पर ले लेते हैं, जैसे कि किराए पर हमने कोई चीज़ ले ली है तो ऐसे वो रहने लगते हैं वो स्ट्रीट पर। ओके, द बेनियन इज रेदर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रेवलिंग ईच अदर। जो बेनियन जो होता है वो एक होटल की तरह है जहाँ पर डिफरेंट फैमिली यानी काफ़ी संख्या में फैमिली एक साथ रह सकती है बिना किसी को परेशान किए हुए। वाइल इट्स यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट, दे आर विजिटेड बाई द डेलीकेट मैप बटरफ्लाई। इसकी जो लीव्स होती हैं छोटी छोटी सी स्टिल पिंक गुलाबी और सॉफ्ट जो लीव्स होती हैं उन पर मैप बटरफ्लाई जो वो है यहाँ पर आती है विजिट करने के लिए। विच लीव्स एग हर एग्स इन देयर केयर, और इसकी लीव्स पर वो अपने एग छोड़ जाती है देखभाल के लिए। एंड द लिटिल स्क्रिप्ड स्क्वायरल कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी ऑन देम, और यहाँ पर छोटी स्क्वायरल जो ग्रैली होती है वो अपना वो रस वाला शहद लेने के लिए यहाँ पर आती है। सो द फ्रेंडली ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर, इस तरह से बेनियन हर किसी आने वाले के लिए एक फ्रेंडली ट्री है। एवरीबडी कैरीज मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड इन इट देयर इज अ काइंड ऑफ फेथ फॉर द ओल्ड बेनियन, इस तरह से हर कोई यहाँ से अपने पास्ट की यादें लेके जाता है, सबका हिस्ट्री में बड़ा विश्वास है। इन फैक्ट बल्कि इट इज दीज इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल डेट मेक द बेनियन इमोर्टल, बल्कि ये ट्री जो है एक लोगों के मन में एक अपनी अच्छी छाप जोड़ देता है जो लोगों के लिए एक यादगार बन जाता है। यहाँ पर से जो कि हुई जाता है अपनी अच्छी यादें लेकर जाता है। इवन देयर इज अ पॉपुलर बिलीफ, बल्कि हर किसी का इसमें विश्वास है, कैसा विश्वास है, विच हैज इट्स रूट्स इन माइथोलॉजी, कि इसकी जो रूट्स होती हैं उनमें लोगों का एक धार्मिक विश्वास है दैट इज अ बनियान इज गॉड, इसलिए बेनियान को गॉड माना गया है, स्त्री को भगवान भी माना गया है। एंड पीपुल वर्शिप इट, और लोग इसकी पूजा करते हैं। डेट्स वाई द बेनियान हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ सेक्रेट एंड सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अ ट्री, इस तरह से बेनियन ट्री को हमेशा एक सम्मान की ट्री दिया, इसको क्यों ना इसको सम्मान देना चाहिए। एज अ सेक्रेट कनेक्टेड विद माय कंसीडर्ड टू बी होली, यानी एक पवित्र ट्री माना गया है ना इसको, सेक्रेट माने तो इसलिए ये एक मेंबर की तरह ही नहीं है सोसाइटी का एक मेंबर की तरह रहता है, न कि एक ट्री की तरह। ओके, यानी कि बेनियन ट्री जो है हमेशा हमने इसको सम्मान देना चाहिए, और ये एक पवित्र ट्री है जिसमें जिसे सोसाइटी का मेंबर माना चाहिए, न कि एक ट्री। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।